क्वेटा में बीएनपी मेंगल को बड़ा सियासी दचका। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आवामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सूबाई वजीर ज़राअत मीर असदुल्ला बलूच की ज़ेर सदारत बरोज़ एतवार क्वेटा प्रेस क्लब में शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में बीएनपी मेंगल के रहनुमाओं कामरे रहमतुल्ला बलोच, परवेज बलोच, अकरम मेंगल, कलील अहमद मेंगल ने मीर असदुल्ला बलोच की क्यादत, मौकफ और पॉलिसियों पर इत्तेफाक करते हुए अपने सैकड़ों साथियों समेत बीएनपी मेंगल से मुस्ताफी होकर बीएनपी आवामी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर बीएनपी आवामी के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर नाशना सलेडी, मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी एडवोकेट असन बलोच, रुकन सेंट्रल कमेटी अब्दुल वकील मेंगल और बीएनपी आवामी कीच के साबिक जिले सदर व सीनियर रनुमा जरीफ जदक बलोच और दिगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। शमूलियती प्रोग्राम से सूबाई वजीर ज़राअत मीर असदुल्ला बलोच ने खताब करते हुए कहा कि मैं इंतहाई खुशी और दिल की गहराइयों से नए साथियों को बीएनपी आवामी में खुश आमदीद करता हूँ। इस बेहतरीन सियासी फैसले पर इनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि 70 के ज़माने में मीर गोजबख्श बिसंजो, सरदार अताउल्ला, नवाब केरबख्श मरी, नवाब अकबर खान बुख्टी का वो ज़माना था, गुजर गया। अभी 21वीं सदी का दौर है। एरानगी की बात यह है, उस ज़माने में हम बलूचिस्तान हासिल करना चाहते थे, बलूचिस्तान के वसाइल अपने तेवील में लेना चाहते थे, बलूचिस्तान की खुशहाली के साथ बलोच कौम को आगे ले जाने की सलाहियत पैदा करने में कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज दुख की बात यह है, बलूचिस्तान के बड़े बड़े लीडर वार्डों में घूम रहे हैं, एक वार्ड के कौंसलरी में खुश हैं। अगर बलूचिस्तान हमने जीता नहीं है, एक वार्ड जीतने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन आज दुख की बात है, हमारे सारे बड़े बड़े लीडर वार्डों में फिर रहे हैं कि हम वार्ड जीतेंगे। हम ये भी कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए भी स्टूडेंटों की ज़रूरत है, हमारे लिए नारा लगाएं, हमारे लिए झंडा लगाएं, ये सारे चीज़ें करें। नहीं, हम खयानत नहीं करेंगे किसी के साथ। छागी के पहाड़ों पर जो ब्लास्टिंग हुई, जो एटमी ब्लास्ट का टेस्ट किया गया, लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये सवाल आज करना चाहता हूँ कि इस छागी के पहाड़ों की रिकॉर्डिंग के दामन पे बैठे हुए उन झोंपड़ियों का भी ख्याल रखना। हमारी बॉर्डर जब बंद हुई, इन पे फैंसी बाड़ लगाए गए, उस वक़्त भी नुक्ता नज़र ये था कि नेमुल बदल इसका कुछ होना चाहिए। रोजगार के मौके रियासत बंद नहीं करते, रोजगार के मौके पैदा किए जाते हैं। मरकज की जिम्मेदारी है कि बड़े पैमाने पे पैकेज दे के ताकि लोग सही तरीके से इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। इसलिए हम समझते हैं कि आप तालीम के साथ जुड़े रहें, और बीएनपी अवामी का पॉलिसी भी यही है कि इल्म के हुनर को हम लेके आगे बढ़ें। हम भी बीएसओ का तीसरा पार्ट बनाना चाहते हैं, हमारी भी स्टूडेंट होगी बीएसओ आवामी का विंग भी बनाना चाहते हैं, कलम बनाएं, सारे यूनिवर्सिटी सारे अदारों में बना सकते हैं। हमने बनाया क्यों नहीं बीएनपी आवामी ने, हमने करने, हम किसी को अपना पॉकेट नहीं बनाएंगे कि हमारे लिए नारा लगाते रहे, नहीं, ये नहीं करेंगे। मैंने पिछले अदवार में 200 स्टूडेंटों को नौकरी छोटे नौकरी दिया और इस यूनिवर्सिटी में मैंने उनको दाखिला दी। वो लोग थे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, आज वो लोग पीएचडी बन के आते हैं, मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा, बलूचिस्तान का मसला सियासी है, ताकत का इस्तेमाल अफगानिस्तान में बहुत हुआ, लेकिन वहाँ आखिर में मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल किया गया। बलूचिस्तान का मसला सियासी है, इसे सियासी तौर पर डील करना है। हर बलोच दहशतगर्द नहीं हो सकता, हक की आवाज़ को बंदूक की नोक से खामोश करने की अंदाज को बदलना होगा। ये अंदाज इस सूबे के हक में नहीं है, यहाँ के आवाम के हक में नहीं है, सियासी माहौल और फिजा के हक में नहीं है। जमहूरी अंदाज और सियासी सामाजिक तर्ज भी इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, उसका एक ही हल है, जमहूरियत को ताकतवर बनाना होगा। कैमरामैन बख्तियार बलूच के साथ सरफराज शाह, गिदरूशिया पॉइंट, क्वेटा। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरूशिया पॉइंट फेसबुक पेज,
इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।